हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के भरता जिसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल जीरा एंड अनियंस भुनने के लिए रख दिए हैं इसके साथ हमें चाहिए होंगे फोर टू फाइव रफली चॉप्ड अनियंस और ये है बैंगन जिसको मैंने भुन के साफ करके एक फॉक की हेल्प से मैश कर दिया है ये फॉक की हेल्प से बहुत इजीली मैश हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती अब हमें अपने अनियंस अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने हैं थोड़ा टाइम लगेगा बट ये आप हाई गैस पे भी कर सकते हैं अब हमारे अनियंस विद इन फाइव टू तो टेन मिनट्स भुन जाएंगे ये हमारे अनियंस भुन के तैयार हैं अब हम इनमें अपने टमाटर जो हमने रफ़ली चॉप किए हुए हैं वो डालेंगे ये हमने अपने रफ़ली चॉप टमाटर इसमें डाल दिए हैं अब हमें इन्हें इस जल्दी गलाने के लिए हम इनमें नमक डालेंगे नमक डालने से ये बहुत जल्दी गल जाएंगे नमक हमें अपने अनुसार डालना है अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालिए अब हमें इसको कवर करके टमाटर गलने का वेट करना है ये देखिए फ्रेंड्स टमाटर गलना शुरू हो गए हैं अब विद इन फाइव टेन मिनट्स ये गल भी जाएंगे हमें बस करछी की हेल्प से इसको थोड़ा ऐसे मैश करते जाना है कि जो टमाटर गलने का प्रोसेस है वो हमारा थोड़ा फास्ट हो सके ये देखिए फ्रेंड्स कैसे मैं कर्छी की हेल्प से टमाटर्स को प्रेस कर रही हूँ कि हमारी ये टमाटर प्याज के साथ रल मिल जाए अब हम ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे ये काली मिर्च लाल मिर्च और देगी मिर्च नमक हम पहले ही डाल चुके हैं इसलिए नमक दोबारा नहीं डालेंगे अब देखिए हमारा ये टमाटर और प्याज पूरी तरह मैश हो गए हैं अब हमने इस पर डाला है अपना भुना हुआ बैंगन अब हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है एंड विद इन फाइव मिनट्स ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा वो साइन है कि हमारा भरता रेडी टू सर्व है अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसको सर्व करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म भरता रेडी है अब आप इसे परांठों के साथ रोटी के साथ बाजरे की रोटी के साथ स्पेशली इन विंटर्स इन्जॉय कर सकते हैं हमें इसे थोड़ा सा धनिए के साथ गार्निश करेंगे उसके बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है होप आपको अच्छा लगा होगा आप भी बनाइए एंड अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए थैंक यू